हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपकी कार के लिक्विड्स के ऊपर यानी कि ऑयल्स के ऊपर। कौन सा ऑयल है गाड़ी के अंदर जो आपको टाइम टू टाइम चेंज करना है, और कौन सा ऑयल कुछ ऐसे भी हैं जो मैं ये कहता हूं कि आप कंपनी के रिकमेंडेशन से पहले ही चेंज कर लीजिए। वो कौन कौन से ऑयल है और कौन से ऑयल टॉपअप करने की जरूरत होती है, कौन से ऑयल कंप्लीटली फ्लश करने की जरूरत होती है, लाइफ कितनी होती है, सारी चीजें इस वीडियो में होंगी। लेकिन हाँ, ये चीजें आपको जान लेना जरूरी है। कोई सर्विस सेंटर, कोई ऑनर मैनुअल ये सारी चीजें आपको बताएगा नहीं, जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। छोटी सी वीडियो में कोशिश करूंगा कि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, इसलिए एक भी पॉइंट स्किप करने जैसा नहीं होगा, सारा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होगा। तो जब बात आती है ऑयल की, तो ऑयल में सबसे पहला नंबर होता है इस कार के इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल टाइम टू टाइम आपको चेक करना होता है, हफ्ते में जरूर एक बार चेक कीजिए। और चेक करने का तरीका क्या होगा वो पहले समझ लीजिए। इंजन ऑयल जब भी आपको चेक करना होगा तो याद रखिए, आपकी गाड़ी प्लेन सरफेस पे खड़ी हो, कहीं स्लोप में ना खड़ी हो, बिल्कुल प्लेन हो। दूसरी कंडीशन, गाड़ी कम से कम 5 घंटे 6 घंटे से स्टार्ट ना हुई हो, खड़ी हो। अब उस कंडीशन में यहाँ पे होगा आपका डिपस्टिक। डिपस्टिक यानी कि ऑयल गेज, पता करने के लिए कि कितना ऑयल इसके अंदर है। इस तरह से डिपस्टिक को निकालेंगे ये। अब यहां देखेंगे दो पॉइंट लगे हुए दिख रहे हैं आपको, एक मिनिमम का और एक मैक्सिमम का। अभी बारिश आ रही है तो थोड़ी बहुत बूंदे पड़ रही हैं, यहां करता हूं। एक मिनिमम, एक मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं पे भी इंजन ऑयल रहना चाहिए। और इसको नापने के लिए आपको एक बार इसको पहले निकाल के क्लीन करना पड़ेगा। डिपस्टिक निकाल लिया आपने, अब इसको आपको पहले करना होगा क्लीन जी। क्लीन किया, अब देखिए यहाँ पे आपको दो मार्क्स दिख रहे हैं, ये दो डॉट दिख रहे हैं। पहला डॉट मिनिमम, दूसरा डॉट मैक्सिमम। मतलब इससे नीचे नहीं होना चाहिए इंजन ऑयल और इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे बीच में कहीं है तो चलेगा। तो एक बार इसको क्लीन करता हूँ मैं। क्लीन करने के बाद डिपस्टिक लगा दिया वहीं, फुल पूरी तरह से नीचे बैठना चाहिए। अब इसके बाद निकालेंगे और अब लेवल चेक करेंगे। तो इसका लेवल कहाँ पे है, मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। और अभी इसकी सर्विस भी आ गई है इसलिए थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसके नीचे अगर जाता है तो आप समझ लीजिए ये खतरनाक है, तुरंत जरूरत पड़ती है आपको टॉप अप करने की। ये तो हो गया ऑयल चेक करने का तरीका, आपको कैसे आपने ऑयल चेक किया। अब मेन पॉइंट, आपको इंजन ऑयल चेंज कब करना है। तो देखिए, आपकी कार डीजल हो या पेट्रोल, आप कोशिश कीजिए कि आपकी कार का इंजन ऑयल 5000 से 8000 किलोमीटर तक आप इसको चेंज कर दें। कंपनी का रिकमेंडेशन इससे ज्यादा होता है, मैं जानता हूँ। वो लोग कहते हैं 10000 पे कीजिए, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 20000 पे चेंज कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंजन ऑयल इतने लंबे टाइम तक टिक पाता है। और मैंने 20-20 हजार चले हुए गाड़ियों के इंजन ऑयल निकाल के देखे, मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐसा बचता नहीं है। अब पता नहीं क्यों, किस चीज के लिए वो लोग कहते हैं कि इस इंजन ऑयल को चलने दो, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कॉस्टली नहीं है, और आपका इंजन ज्यादा महंगा है उस ऑयल से। अगर टाइम पे इंजन ऑयल चेंज कर लेंगे तो आपके इंजन की लाइफ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंजन ऑयल सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके इंजन को रन करने के लिए। जब इंजन घूम रहा होता है बहुत स्पीड में, 2000 rpm, 4000 rpm, 6000 rpm, आपको सिर्फ कहने में लग रहा है। 6000 rpm का मतलब आप समझते हैं, 5000 rpm का मतलब आप समझते हैं। 5000 मतलब 5000 राउंड ले रहा है वो एक मिनट में। तो कितनी स्पीड से पिस्टन अप डाउन जा रहे हैं, और कितनी हीट जनरेट हो रही है, कितना लुब्रिकेशन की उसको जरूरत है, कितने अच्छे लुब्रिकेशन की जरूरत है। लेकिन जब इंजन ऑयल गंदा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, तो वो इंजन ऑयल उसको उतना अच्छा लुब्रिकेशन नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि इंजन की लाइफ लंबी हो, तो आप 5000 से 7000 किलोमीटर के बीच में, 8000 किलोमीटर के बीच में इंजन ऑयल को चेंज कर दीजिए। और हाँ, जब इंजन ऑयल चेंज होता है तो इसका ऑयल फिल्टर भी साथ में चेंज होता है। ऑयल फिल्टर नीचे होता है, ऑयल को फिल्टर करने के लिए लगा होता है। बात करते हैं दूसरे फ्लूइड की। सेकेंड फ्लूइड वो होता है हमारे कार का कूलेंट। कूलेंट यहाँ पे है रेडिएटर में। कूलेंट का काम क्या होता है, कूलेंट का काम होता है हमारी कार को ठंडा रखना, इसके हीट को बाहर निकालना। अब कूलेंट का लेवल हम यहां से देख सकते हैं, ये देखो, लो फुल दिखा हुआ है। लो के नीचे नहीं जाने चाहिए और फुल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये इसका लेवल रहना चाहिए। और बीच बीच में इसको टॉप अप करने की जरूरत आपको पड़ती है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टॉप अप होता है। अगर 5000 किलोमीटर पे, 6000 किलोमीटर पे थोड़ा बहुत टॉप अप करना पड़ रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 400 और 500 किलोमीटर पे आपको टॉप अप करना पड़ रहा है तो फिर वो आपके इंजन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अब कूलेंट की बारी, कूलेंट आपको चेंज कब करना है। देखिए, कूलेंट आप कोशिश कीजिए कि 20000 से 30000 किलोमीटर तक इसको फ्लश करके दोबारा नया कूलेंट भरिए।
फ्लश करने से पहले केमिकल का यूज़ कीजिए, पूरा सिस्टम फ्लश कीजिए और फ्लश करने के बाद नया कूलेंट भरिए। कुछ कंपनियां आती हैं जो कहती हैं कि लॉन्ग लास्टिंग है हमारा, बहुत लंबा है, लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन यहाँ भी मेरा मानना उनसे थोड़ा सा अलग है। हो सकता है वो लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन उनके हिसाब से लाइफ टाइम क्या है गाड़ी की, हमारे हिसाब से क्या है। हम चाहते हैं हमारी कार को बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए आपको जरूरी है कि 20,000 से 30,000 किलोमीटर पे आप कूलेंट को फ्लश करके चेंज कर दें। अब इसके बाद नंबर आता है हमारे गियर ऑयल का। गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसके अंदर गियर घूम रहे होते हैं, हीट इंजन के जितनी वहां जनरेट नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी वहां पे हीट जनरेट होती है। दूसरा, मेटल के जो गियर्स होते हैं वो आपस में टकरा रहे होते हैं। दूसरी चीज, ब्रास के जो सिंक्रोनाइजर रिंग होते हैं वो कंटिन्यू वहां ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब उन सारी चीजों को लुब्रिकेट करने के लिए उसके अंदर डाला जाता है ट्रांसमिशन ऑयल, गियर ऑयल भी उसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं। और गियर ऑयल अगर आपको चेंज करना है तो 40,000 से 50,000 किलोमीटर पे उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। हाँ, बीच में एक बार 20 से 25,000 किलोमीटर जब हो जाते हैं तो एक बार उस गियर ऑयल की क्वालिटी जरूर चेक करा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि गियर स्मूथ ना लगने की वजह से, गियर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो गियर ऑयल जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको कुछ ऐसा इश्यू आ रहा है गियर का बीच बीच में, तो फिर आप उसको एक बार चेक कराइए, और चेक कराने के बाद जरूरत पड़ती है तो पहले ही चेंज करा दीजिए और सारा कुछ नॉर्मल चलता है तो 40 से 50,000 किलोमीटर के बीच उसको रिप्लेस करा दीजिए। इसके बाद नंबर आता है दूसरे फ्लूइड का। दूसरा फ्लूइड जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हमारा ये ब्रेक कॉइल। ब्रेक ऑयल कुछ इस तरह के कंटेनर में होगा। यहाँ पे भी मिनिमम और मैक्सिमम के मार्क्स बने हुए होंगे, ये देख रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये इसके बीच में ही कहीं रहना चाहिए, मिनिमम से नीचे नहीं जाना चाहिए और मैक्सिमम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एक चीज, इसको भी जरूरत पड़ती है हमें रिप्लेस करने की, चेंज करने की। बहुत सारे लोग इसको चेंज नहीं करते हैं, बोलते हैं कभी चेंज ही नहीं होता, लेकिन नहीं, इसको भी जरूरत पड़ती है चेंज करने की, क्योंकि ये जो ऑयल है कंज्यूम नहीं होता, कम नहीं होता, खत्म नहीं होता, लेकिन हाँ ये ऑयल एटमॉस्फेयर से आपके मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसको भी मैं ये कहता हूँ कि आप 20,000 किलोमीटर पे एक बार चेक कीजिए क्वालिटी कैसी है इसकी। हाँ, टॉपअप बीच बीच में इसको आप करते रहेंगे, और इसको टॉपअप करने का टाइम कब आता है वो समझ लीजिए। ब्रेक ऑयल को टॉपअप करने का टाइम तब आता है जब आपके ब्रेक पैड, ब्रेक शू घिस रहे होते हैं उस कंडीशन में। अदरवाइज आपको ब्रेक ऑयल कम होता हुआ नहीं दिखेगा, तभी दिखेगा जब आपके ब्रेक पैड घिस रहे होंगे। अगर ज्यादा ब्रेक ऑयल आपको डाउन होता हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाइए आपके ब्रेक पैड चेंज होने वाले हो गए, उसको निकाल के चेंज करवाइए। हाँ, एक कंडीशन और हो सकती है कि ये ब्रेक ऑयल कम हो रहा हो, वो कंडीशन होगी आपकी लीक की, कहीं ना कहीं ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है, लेकिन वो आपको तुरंत पता चल जाएगा आपके ब्रेक पैडल पे, ब्रेक में प्रॉब्लम आने लगेगी, ब्रेक जल्दी आएंगे नहीं अगर कहीं लीक हो रहा होगा तो। और टाइम इसको चेंज करने का 30,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, जैसा भी चाहें, लेकिन हाँ 30,000 किलोमीटर पे एक बार इसको चेक जरूर करा लें। इसकी चेक की क्वालिटी कैसी है, अगर क्वालिटी पहले खराब हो गई है पहले चेंज कर दीजिए, क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट दिखती है तो फिर आप उसको 50,000 तक भी चेंज कराते हैं तो कोई इशू नहीं है। क्वालिटी कैसे दिखती है और कैसी होती है ऑलरेडी एक वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ब्रेक ऑयल को टॉपअप करते हैं तो .3 और .4 का ध्यान रखें। अगर आपकी कार के अंदर .3 पड़ा हुआ है तो .3 डालिए, अगर .4 पड़ा हुआ है तो .4 ही डालिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि .3 आपके अंदर पहले लाल वाला दिख रहा है और आपने येलो वाला डाल दिया, येलो वाला दिख रहा है और आपने लाल वाला डाल दिया, तो इस तरह की प्रैक्टिस से बिल्कुल बचिए, ये मत कीजिए। और दूसरी एक कंडीशन कब आ जाती है ब्रेक ऑयल चेंज करने की, कभी भी आपको लगता है कि आपका कोई सिलेंडर खराब हुआ है, या फिर वो मास्टर सिलेंडर हो या फिर वो कोई व्हील सिलेंडर हो, कोई भी व्हील सिलेंडर या मास्टर सिलेंडर अगर खराब होता है तो फिर उस कंडीशन में आप पूरे ब्रेक ऑयल को रिप्लेस कर दीजिए, ब्रेक सिस्टम को फ्लश कीजिए और नया ब्रेक ऑयल डालिए। क्योंकि ये नया ब्रेक ऑयल कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, मुश्किल से 200-300 रुपए की इसकी कॉस्ट होती है, तो इसको अगर चेंज कर दें तो वो ज्यादा अच्छा है। अभी हमारा इंजन ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, ट्रांसमिशन फ्लूड हो गया, एक लिक्विड और है जो यहाँ पड़ता है, विंडशील्ड वॉशर। इसके ऊपर कोई ज्यादा जोर नहीं दूंगा, इसके अंदर नॉर्मल पानी शैम्पू में मिला के डालिए, आपके शीशे को साफ करने कीजिए, खत्म होता रहता है, बार बार इसको टॉपअप करना पड़ता है। ये इसका साइन यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आपको टॉपअप करना होता है, बस सिंपल। तो फिलहाल ये थे कुछ फ्लूड्स और उनको चेंज करने की टाइमिंग और उनको चेंज करने का इंपॉर्टेंस। अगर ये चीजें आप टाइम पे करते रहते हैं तो आपकी कार की लाइफ बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपकी कार को आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सारी चीजें आप तभी कीजिए जब आप चाहते हैं अपनी कार को लंबे समय तक इस्तेमाल करना, लेकिन अगर आप कार को ज्यादा लंबा रखना नहीं चाहते, साल भर में कार को चेंज कर देते हैं, तो फिर इतना ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपने तो गाड़ी को लिया, वारंटी पीरियड तक चलाया और फिर उसको सेल कर दिया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो करते हैं, लेकिन अगर आपने कार ली है, सपनों की कार ली है, मुश्किल से लिए, चाहते हैं कि इसको लंबे समय तक रखें, अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, वैसा ही उससे प्यार करते हैं, तो जरूरी है इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।